नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजप्रोहित और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। कल शाम से दोस्तों हमने जो रीट लेवल फर्स्ट यानी रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं और उनके सब्जेक्ट लगता है पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी यूनिट नंबर 3 हमने जो सार्वजनिक संस्थाएँ हैं उनसे पंचायत से शुरुआत की थी। हाँ दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक है, विद्यालय भी है, चिकित्सालय भी, डाकघर हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। हमने शुरुआत कर दी थी इसकी कल पंचायत से। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने जाना था कि पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का जनक और क्या क्या प्रावधान हुए थे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, किस प्रकार पूरी जो विवरण है वो हमने कल की क्लास में जाना था। आपने नहीं देखा वो क्लास, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर जरूर देखें। और आज हम जो है कल जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से आगे प्रारंभ करें। तो दोस्तों कल तक हमने पढ़ लिया था कि राजीव गांधी सरकार 63वां 64वां संविधान संशोधन लाती है लेकिन वह पारित नहीं हो पाता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसकी जांच की गई कि ये पारित क्यों नहीं हो रहा है, तो एक कमिटी बनती है दोस्तों, नाथुराम मिर्दा समिति बनती है दोस्तों। इस समिति की, नाथुराम मिर्दा आपको मैं बता चुका हूँ, बल उस समय जो है राजस्थान के पंचायती राज मंत्री भी थे, तो इस नाथुराम मिर्दा समिति बनती है। और उस समय बाद में क्या है दोस्तों, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, कांग्रेस सरकार होती है, और उस समय पीएम थे दोस्तों, उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। सरकार संविधान संशोधन आती है दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाती है पीवी नरसिम्हा राव सरकार। ये दोस्तों विधेयक आया था 1992-93, यानी ये 92 और 93 इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 93 में आया था, और ये 92 में आया था और 93 में ये दोस्तों लागू होता है, यानी 93 में ठीक प्रोसेस है दोस्तों वो 93 में पूरे होते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जब ये संशोधन विधेयक लाया गया तो इसकी प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि जब भी कोई विधेयक संसद में लाया जाता है तो पहले वो लोकसभा में पारित होगा, फिर वो राज्यसभा में पारित होगा, और फिर वह जाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वे संसद, वह जो विधेयक है वो कानून का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि सर्वप्रथम ये पारित होता है 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में। और दोस्तों 20 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, यानी 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात। ये दोनों बातें दोस्तों 1992 की है और ये बात है दोस्तों 93 की, इसलिए इसका संशोधन का नाम है 1992-93, यानी 22 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो जाता है, 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो जाता है और 20 अप्रैल को ये राष्ट्रपति से पारित, और फिर एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है 24 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है और ये जो है पंचायती राज अधिनियम बन जाता है। ये दोस्तों पंचायती राज अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पंचायती राज दिवस जो है, ये जो पंचायती राज है ये 11 राज्यों में लागू होता है, शुरुआत में कितने राज्यों में, 11 राज्यों में लागू होता है, और कर्नाटक प्रथम राज्य होता है जो इसको लागू करता है, कर्नाटक पहला राज्य होता है जो इसको लागू करता है, यानी पहला राज्य कौन सा होता है जो पंचायती राज अधिनियम लागू करता है, कर्नाटक। और एमपी में सर्वप्रथम चुनाव होते हैं, सर्वप्रथम जो पंचायती राज के चुनाव है वो कहाँ होते हैं दोस्तों, एमपी में सर्वप्रथम चुनाव एमपी में। तो ये देख लो पूरी भूमिका, नाथुराम मिर्दा समिति बनी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 73वां 74वां। अब ये देखो आगे बताओ 73वां 74वां है क्या, 73वां 74वां संविधान संशोधन 92-93,
22 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर को राज्यसभा से, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, 24 अप्रैल को ये पंचायती राज अधिनियम बना। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 राज्यों में लागू हुआ। सर्वप्रथम राज्य लागू करने वाला कर्नाटक और MP सर्वप्रथम चुनाव कराता है। इसके बाद दोस्तों देखो, इसके बाद बात करते हैं 73वें 74वें संविधान संशोधन की, यानी ये दोनों थे क्या। अब देखो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है, एक तरफ हम लिखते हैं 73वां, एक तरफ हम लिखते हैं 74वां। अब देखो 73वां 74वां संविधान संशोधन में ये तो था दोस्तों ग्रामीण स्वशासन, यानी ग्रामीण स्वशासन सीधे तौर पर आप इसे कह सकते हो पंचायतों के लिए, पंचायतें। और ये था दोस्तों शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन जिसे आप कह सकते हो नगर पालिकाएं, कह सकते हो नगर पालिकाएं, ठीक है। 73वां ग्रामीण के लिए और 74वां उनके लिए। अब यह जो दोस्तों, यह तो आपको पता है कब पारित हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, और वो पारित होता है दोस्तों 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। ये जो था ग्रामीण स्वशासन, इसके अंदर अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 243 कैसे लेकर और आपके 78, और ये है दोस्तों अनुच्छेद 243 आपके 23 से लेकर ये 6 तक, ये 6 तक। इसके बाद इसकी अगर भाग की बात करोगे तो ये है भाग नंबर 9 में, और ये है आपके भाग नंबर 9 कह में, इसकी अनुसूची है 11 और ये है अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में। तो देख लो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन, 73वां ग्रामीण के लिए और वो था नगरों के लिए। ये 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू होता है, वो होता है 1 जून 1993 को। यह अनुच्छेद 243 तय से आने तक, अनुच्छेद 243 तय से यह 6 तक। यह दोस्तों बात करें भाग 9 में और वो भाग 11 में है, यह अनुसूची 11 है और वह अनुसूची 12 है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज था उसके बारे में। देखो इस तरफ तीन कॉलम बनेंगे, एक तो बनेगा आपके ग्राम पंचायत, एक बनेगी पंचायत समिति, और एक बनेगी दोस्तों जिला परिषद, जिला परिषद। उस तरफ भी तीन कॉलम बनेंगे, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम। अब दोस्तों बात करते हैं ये तीन स्तर के, इसके भी तीन स्तर है और उसके भी, ये है त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसके भी तीन स्तर है और उसके भी तीन स्तर है। इसकी जो संख्या है दोस्तों वो वर्तमान में मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप इसको लगभग ये मान लीजिए ये 9900 है, यानी 9999 इसकी अनुमानित मेरे पास अभी डाटा जो है वो है 900। इसका जो है पंचायत समिति दोस्तों ये है आपके 295, जिला परिषद आपको पता है कितनी है 33। नगर पालिकाओं की बात करो तो नगर पालिकाएं हैं 143, ये है 34 और ये है आपके 60। ये डाटा जो है मेरे पास थोड़ा पुराना है, आप अगर आपको कोई करेक्शन डाटा मिलेगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या चेंज हो चुका है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों सरपंच, सरपंच, और इसका जो विकास, इसका जो अधिकारी होता है दोस्तों वो होता है आपके कौन है, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक। इसके हम पंचायत समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधान, और इसका जो अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों BDO, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, विकास अधिकारी होता है ना
वो होता है इसका अधिकारी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो जिला जिला परिषद अध्यक्ष यानी सभापति मान लो आप उसको, जिला प्रमुख, इसका जिला प्रमुख होता है और इसका अधिकारी होता है दोस्तों सीईओ, सीईओ, सीईओ। इसके नगर पालिका की हम अगर बात करोगे तो इसका चेयरमैन होता है और इसका जो अधिकारी होता है दोस्तों वो होता है आपके ईओ अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद में सभापति और इसका होता है आयुक्त, कौन होता है आयुक्त। इसके अलावा नगर नगर में यहाँ होता है दोस्तों मेयर और यहाँ होता है सीईओ, सीईओ इसको मेयर या महापौर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको पंचायती राज कैसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और किस किस अनुच्छेद में कौन से भाग में किस अनुसूची में पंचायती राज और शहरी स्वशासन है और कैसे इसका ढांचा है वो आज बता दिया है। कल हम चर्चा करेंगे पंचायती राज के तीनों स्तरों को अलग अलग, यानी ग्राम पंचायत कैसे गठित होती है, पंचायत समिति कैसे गठित होती है, जिला परिषद कैसे गठित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई कमी रहे कोई कमी लगे तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।